नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिज डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बैंक विलय के विरोध में एक दिवस से हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया वापस, रजिस्ट्रार ने मांगी माफी। डेंगू को रोकने में निगम प्रशासन रहा नाकाम, युवाओं ने गांधीगिरी कर निगम कार्यालय में चढ़ाया फूल। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने किया हंगामा, मुख्य सड़क को किया जाम। और कृषि विभाग की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन, किसानों को उन्नत खेती की मिली जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। बैंकों के विलय के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त आह्वान पर बैंक कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर रहे। देशव्यापी हड़ताल का असर भागलपुर में भी देखा गया। राधा रानी सिन्हा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के आंचलिक कार्यालय के सामने कर्मचारी धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं खलीफाबाद चौक के समीप यूनियन बैंक मुख्य शाखा के सामने वी फी के बैनर तले संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। के अध्यक्ष जयप्रकाश झा और सचिव बीके पोद्दार ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बैंक और एटीएम बंद रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पैसा निकासी के लिए लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम का चक्कर लगाते रहे। वहीं भागलपुर में एसबीआई बैंक की शाखा और एटीएम खुले थे। वहीं हड़ताल पर बैठे बीपीबीईए के महासचिव अरविंद कुमार रामा ने कहा कि सरकार बैंकों का विलय करना बंद करे क्योंकि इससे ना तो देश को फायदा है और ना ही आम जनता को। वहीं बीपीबीईए के चेयरमैन एनके सिन्हा ने कहा कि बैंक का ऋण वापस नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक कानून बनाकर सजा का प्रावधान किया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने सरकार विरोधी नारे लगाकर मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धरना पर गोपेश कुमार, अनिल चौधरी, मदन कुमार, एस के चौधरी, बबली कुमारी, के झा समेत दर्जनों कर्मी मौजूद थे। देशव्यापी हड़ताल है, AIBA और बेपी के ज्वाइंट हड़ताल ये है और ये हड़ताल मुक्त बैंक की जो नीति है, बैंक का क्लोजर करना, मर्जर करना, इसको प्राइवेट हाथों में बेचना, ये साजिश जो सरकार की है इसके विरोध में 22 अक्टूबर को देशव्यापी हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। जो खराब ऋण है जिन लोगों ने लिया है और ऋण वापस नहीं कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाए। हमारी मांग है कि जो जनता से सर्विस चार्जेस के नाम पर अनाप शनाप चार्ज लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। हमारी मांग है कि बैंकों में जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अगेंस्ट में उपयुक्त संख्या में कर्मचारियों की बहाली की जाए। हम लोग वेतन समझौता एवं बैंक के मर्जर को लेकर धरना पर बैठे हैं। आगे भी हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा अगर डिमांड पूरा नहीं हुआ तो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी मंगलवार से कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय के अपील पर काम पर लौट गए। दरअसल रविवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने सहायक राजीव कुमार को जमकर फटकार लगा दी थी, जिसके बाद सोमवार को सभी कर्मी कार्य का बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं मंगलवार को प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, FO विजयमल प्रसाद समेत कई अधिकारियों ने धरना पर बैठे कर्मियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी नहीं माने और मामले को लेकर कुलपति से वार्ता करने की बात कही, जिसके बाद प्रतिकुलपति ने कुलपति प्रोफेसर AK राय से बात की और कर्मचारियों की मांग बताई। वहीं कुलपति से वार्ता होने के बाद शिक्षकतर कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार ने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया। प्रतिकुलपति ने कहा कि तत्काल कुल सचिव कार्यालय में सभी कर्मी अपनी उपस्थिति बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में ही रहेंगे। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि किसी कर्मचारी को अगर उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो अपनी बात वापस लेते हैं। जबते हुए हम लोग जो है ना हड़ताल कदम बंद हड़ताल को समाप्त कर दिए। सचिव कार्यालय में सभी कर्मचारी 25 तारीख तक जो है कोई भी कार्य नहीं करेंगे, उपस्थिति दर्ज करके सचिव कार्यालय में कार्य नहीं करेंगे, न सचिव कार्यालय जाएंगे। माननीय कुलपति ने
एक अपील भेजा है, जिसके चलते ये यहाँ पर हमने उन लोगों को सुनाया, जिसको हमने सुना दिया है। और सुनाने के पश्चात इन लोगों ने कुछ पॉइंट रखा था, कुछ सचिव कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं नॉन टीचिंग, उन सभी कर्मचारियों का दूसरे विभाग या सेक्शन में स्थानांतरित किया जाए। दूसरा पॉइंट है कि यदि आज दिनांक 22/10/19 को शिक्षकता कर्मचारी को नई स्थानांतरित करते हैं तो वे सभी सचिव कार्यालय कर्मचारी वहां कार्य नहीं करेंगे। तीसरा, कर्मचारियों ने यह भी निर्णय लिया कि माननीय कुलपति के अनुरोध पर कार्य बहिष्कार आज से स्थगित किया जाता है। यह वार्ता प्रतिकुलपति कक्ष में हुई। कुल सचिव कार्यालय में कार्य करने हेतु 2-3 व्यक्तियों को भेजने के लिए प्रतिकुलपति को अधिकृत किया जाता है। आरोप तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन लोग जो ने बात किया है न्यूज़पेपर में जो पढ़ा है वो गाली गलौज तो कोई सवाल ही नहीं होता। यस, मैंने कड़े शब्दों में जरूर बोला है, लेकिन गाली और ये अभ्रंश शब्द में ये तो कल्चर नहीं है, मेरा भी हम लोगों का भी कल्चर नहीं है। और कड़े शब्द में बोला है, लेकिन आज मैंने उनसे बात किया है, कल भी मैंने बात किया था और मैंने भी बोला है भाई अगर आप लोगों को अगर दिल पे आहत मेरे कड़े शब्दों का है तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आंदोलन है, आफ्टर ऑल हमारे कर्मचारी हैं ये सब, हम लोग साथ काम करते हैं। और मैंने बोला भाई इसके लिए मुझे खेद है, आपको अगर थोड़ा भी ठेस पहुँचा है आप लोग सभी काम पे आ जाइए और जैसे हम लोग मिलजुल के काम करते थे वैसे मिलजुल के काम करें। शहर में डेंगू से हो रही मौत के बाद भी नगर निगम प्रशासन गहरी निंद्रा में है। नगर निगम को नींद से जगाने के लिए सामाजिक संगठन ने गांधीगिरी कर निगम कार्यालय परिसर में स्मार्ट सिटी के बीमार नगर निगम को स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। युवाओं ने पोस्टर लगाकर फूल चढ़ाया और अगरबत्ती दिखाकर ईश्वर से प्रेरणा लेने की नसीहत अफसरों को दी। बाबुल विवेक ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर कई बार निगम के पदाधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पदाधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुए, जिसके कारण गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। बाबुल ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर निगम प्रशासन सजग नहीं हुआ तो आगे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली से नाखुश छात्रों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया और बांस लगाकर यूनिवर्सिटी रोड को जाम कर दिया। दरअसल मंगलवार को एक तरफ कर्मचारी कार्य बहिष्कार को लेकर धरना पर बैठे थे तो दूसरी तरफ मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर के छात्र अपनी समस्या लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे थे। वहीं कर्मचारियों को धरना पर बैठे देख छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले तो आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया, इसके बाद प्रतिकुलपति कक्ष के बाहर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि जब वो अपनी समस्या लेकर विश्वविद्यालय आते हैं तो उसे कभी धरना प्रदर्शन देखना पड़ता है तो कभी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी ही गायब रहते हैं। वहीं 2 घंटे बाद दर्जनों छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग दूर-दूर से विद्यार्थी लोग आ रहे हैं और इतने दिनों से आ रहे हैं, बाय प्रोसेस हम लोग वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से, फिर भी हमारी लोगों की जो है काम पूरी नहीं हुई। हमारी अपनी समस्या ऐसा है कि हमारे 4 तारीख को रेलवे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अभी ये लोग जो है यूनिवर्सिटी में जो है कर्मचारी लोग बंद किए हुए हैं, 2 दिन से हड़ताल है सर। सामने जो है ये लोग, हमें पता चला है कि 26 से 4 तक जो है बंद रहेगी यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों का सर क्या निदान होगा? सर, हम लोगों की क्या गलती है इन सभी चीज़ों में? हम लोगों का काम सही तरह से क्यों नहीं हो पा रहा है? ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र निकालने आया हूँ और मैं सुबह 4 बजे ही उठा हूँ, 7:30 बजे मैं ट्रेन पकड़ा हूँ और उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला है कि विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से या जो भी छात्र की इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी बार बार कभी विश्वविद्यालय बंद होती है, कभी कर्मचारी बंद कर देते हैं, तो ये सारी समस्या क्या विद्यार्थी के ऊपर ही बीतना चाहिए या कुछ उसके जिम्मेदार लोग भी हैं? हम लोग को यहाँ आने में का होना चाहिए। सर लोग लौटा दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं, जब हम लोग आए तो फिर बोले 10 तारीख के बाद आना, फिर आए बोले 1 हफ्ते के बाद आना, इतना दूर से आते हैं, गर्ल्स को इतना प्रॉब्लम होता है आने में, इतना प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करना। आज स्ट्राइक है, यहाँ पे स्ट्राइक है, चल रहा है। भागलपुर के साकुन में कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण आत्मा की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जीप अध्यक्ष टुनटुन साह, वीडियो अमर कुमार मिश्रा, जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा एवं प्रमुख रीना कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी
अधिकारी ने कहा कि किसान कम लागत में रबी फसल की अधिक पैदावार कर सकते हैं। साथ ही कृषि पदाधिकारी ने सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं जीप अध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं का लाभ लेकर किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। इस मौके पर क्षेत्र के कई किसान मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रिंक्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रिंक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567 6375423152462001022297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला थाना क्षेत्र के सरकंडा बहियार में बोरिंग से मीथेन गैस निकलने के कारण एक व्यक्ति की गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान सरकंडा निवासी मोहम्मद सुलेमान के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मौफिस के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद मौफिस सोमवार की शाम धान का पटवन करने गया था। उसी दौरान अचानक बोरिंग से पानी आना बंद हो गया, जिसके बाद मृतक ने बोरिंग के बगल में बने कुआं में पंप चेक करने गया। इसी दौरान उसका दम घुटने लगा और शोर चाना शुरू कर दिया। तभी उसके सहयोगियों ने कुएं के अंदर जाकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी गैस की चपेट में आ गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने कुएं से तीनों को बाहर निकाला, लेकिन मोहम्मद मौफीज की मौत हो चुकी थी। वहीं दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सनहौला थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागलपुर में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग डेंगू के डंक से भयभीत है। वहीं छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अंकुर प्रियदर्शी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू के मरीज ज्यादा है। डॉक्टर अंकुर ने बताया कि सिर दर्द, अचानक बुखार, उल्टी और दस्त होते ही लोगों को चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, साथ ही बदलते मौसम में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। हम लोग ये मान के चले कि डेंगू में बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम लोग पता है कि डेंगू जांच में आ गया लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, ये एक प्रकार का सामान्य वायरल फीवर है, ठीक है। और इसमें 90% कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। ये आप सिंपल पैरासीटामोल, आईवी नहीं, ओरल फ्लूइड्स, जैसे आप ORS या जूस, ये सब आप देख के उसको ठीक किया जा सकता है। खाली उसका बुखार आप नापते रहेंगे। हाँ, कुछ सिम्टम्स अगर हो रहा है जो वार्निंग साइंस, हम लोग डेंजर साइन बोलते हैं, खास करके बच्चों में बुखार के साथ साथ पेट दर्द ज़्यादा हो रहा हो या उल्टियां ज़्यादा हो रही हो, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये खतरनाक डेंगू का लक्षण है। इस कंडीशंस में जरूर डॉक्टर की राय लें और हो सकता है उसमें हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था, मतलब की जरूरत पड़ सकती है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। दूसरा बात है कि डेंगू होने के बाद डेंगू में 10% कंडीशंस में ही वो यूजली गंभीरता की तरफ जाता है, और उसमें भी जो है 1% कंडीशंस में जानलेवा खास करके होता है। तो हम लोग को ये देखना है कि वो रिपोर्ट्स हम लोग यूजुअली हम लोग भेजते हैं, देते हैं डेंगू देखने के बाद, तो डेंगू में हम लोग को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, एक सामान्य बुखार की तरह ना, और इसमें खास करके पैरासीटामोल ही लें। कभी कभी होता है हम लोग की कॉम्बिफ्लाम, आइबू जैसी इस टाइप का दवाई, यानी आइबुप्रोफेन वगैरह नहीं लें, उससे और गंभीरता बढ़ सकती है, इसलिए हम पैरासीटामोल लें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी, जूस, ORS ये सब की मात्रा ज़्यादा लें, और अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई पड़े, पेट दर्द, उल्टियाँ या कहीं, तो हमेशा हम डॉक्टर के पास जरूर जाएँ, अन्यथा दवा के दुकान से खरीद के न लें।
कहलगांव के इकचारी हाई स्कूल परिसर में मंगलवार को हैप्पी क्यूज क्लब द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कहलगांव, सनहौला, पिरपैथी और जगदीशपुर प्रखंड के वर्ग 6 से 10वीं वर्ग के 600 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 3 ग्रुप में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पवन शर्मा, मुकेश शर्मा, कृष्णदेव कुमार, बालकृष्ण कुमार सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। नाथनगर के हरिदासपुर पंचायत भवन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रवाल दत्ता ने किया। शिविर में नाथनगर रेफरल अस्पताल के आयुष चिकित्सक डॉक्टर निरीपजीत सिंह की टीम ने 300 मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की। ज्यादातर मरीजों में सर्दी, खांसी एवं चर्म रोग से संबंधित शिकायत पाई गई। इस मौके पर PLB मंजीत शर्मा, नौशबा परवीन सहित कई लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बैंक विलय के विरोध में एक दिवस से हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने कार बहिष्कार का फैसला लिया वापस, रजिस्ट्रार ने मांगी माफी। डेंगू को रोकने में निगम प्रशासन रहा नाकाम, युवाओं ने गांधीगिरी कर निगम कार्यालय में चढ़ाया फूल। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने किया हंगामा, मुख्य सड़क को किया जाम। और कृषि विभाग की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन, किसानों को उन्नत खेती की मिली जानकारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।